How are you students i hope you all are fine and safe at your home so chapter 4 continue fractions and our today's topic is exercise 4.1 d and e today's date is 21st of september 2020 so let's start here writing equivalent fractions इसमें क्या करना है ये जो फ्रैक्शन है ना पूरा फ्रैक्शन इसमें हमें इन हायर टर्म एंड लोअर टर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है सो इन हायर टर्म मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये टू बाई फोर है ठीक है उसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर आएगा राइट right, चिल्ड्रन और ये जो डिनोमिनेटर में फोर है उसको भी टू से ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा फोर टू साइज एट राइट अगर मुझे ये फ्रैक्शन को लोअर टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा डिवाइड बोथ द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन ऑफ देयर कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है जो दोनों के टेबल में आते हैं सिंपली हमें इतना याद रखना है कि जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का जो आंसर रहता है ना वो ऐसा एक टेबल ढूंढना है जिसमें ये दोनों आते हैं नंबर न्यूमेरेटर का और डिनोमिनेटर का लाइक like, ये यहाँ पर एग्जाम्पल में ट्वेल्व दिया है और यहाँ पर एट है तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ट्वेल्व और एट दोनों आता है तो टू का टेबल है राइट सो so, दोनों नंबर को जो दोनों है न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर उनको दो से डिवाइड करना है सो so, ट्वेल्व को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सिक्स और एट को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर सो so, ये कौन सा हुआ इन लोअर टर्म और ये हायर टर्म सिर्फ हमें इतना याद रखना है हमें अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इन हायर टर्म तो हमें मल्टीप्लाई करना है और अगर हमें कन्वर्ट करना है इन लोअर टर्म तो क्या करना है डिवाइड ओके सो ये आपके फोर पॉइंट वन की एक्सरसाइज डी उसमें क्या किया कहा है इंस्ट्रक्शन दिया है राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन लोअर टर्म लोअर टर्म में क्या करना है डिवाइड सो यहाँ पर क्या है एटीन बाई थर्टी सिक्स एटीन यूमेटर है और थर्टी सिक्स ट्री है तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें थ्री सॉरी कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें हम दिन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं थ्री राइट थ्री के टेबल में एटीन आता है और ट्वेल्थ रिजाइज थर्टी सिक्स तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे अगर थ्री से तो क्या आएगा सिक्स थ्री साइज एटीन और ट्वेल्थ थ्री साइज थर्टी सिक्स तो ये क्या आंसर है सिक्स बाई ट्वेल्व पर अभी भी ये पूरा लोअर टर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है क्योंकि अभी भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो वापस सिक्स के टेबल में सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व तो वापस से कन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इधर वन और टू तो ये किस में हो गया कन्वर्ट लोअर्स टर्म में राइट right? अभी वन टू है न्यूमिनेटर वन है और डिनोमिनेटर टू है इसको और तो भी लोअर टर्म में नहीं लिख सकते दिस इज द लोवेस्ट वन नाउ दिस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फोर बाई एट तो इसको हमें लोअर टर्म में कन्वर्ट करना है तो दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा आंसर और एट को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा आंसर अभी टू बाई फोर है तो अभी वापस उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज नॉट द लोवेस्ट टर्म सो so इसको डिवाइड करेंगे टू से और फोर को डिवाइड करेंगे टू से तो टू डिवाइड बाई टू इज वन एंड फोर डिवाइड्रेन नाउ दिस योर डी एक्सरसाइज खत्म हो गई अभी ई एक्सरसाइज करेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री बाय फाइव विथ डिनोमिनेटर ट्वेंटी सो Let's start. Here we want denominator as a 20. So first we write down 3 by 5 equal to denominator 20. So we write you know, uh, denominator at the place of denominator 20. And here we have to find this number. So 5 के टेबल में ट्टी का आता है फाइव फोर सा ट्वेंटी राइट चिल्ड्रन तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम फोर से डिवाइड करते सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमेरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो थ्री फोर सा ट्वेल्व ओके डन दिस इज बस दर्ड सेट इतना ही करना है नाउ सेकेंड नंबर वी वॉन्ट न्यूमेरेटर एज ए नाइन सो फर्स्ट फी राइट थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू न्यूमेरेटर नाइन नाव वी वॉन्ट टू फाइंड डिनोमिनेटर सो यहाँ पर न्यूमिनेटर में थ्री को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन अगर हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री थ्री जी नाइन तो डिनोमिनेटर पर में डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो फाइव थ्री साइज फिफ्टीन राइट सो दिस द आंसर I hope you understand very well. Thank you children.